अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपना यूट्यूब चैनल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। या आप लोग के पास मल्टीपल यूट्यूब चैनल है और आप लोग इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप लोग ने इसको कैसे डिलीट कर देना है। तो फ्रेंड्स सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच कर देना है और वीडियो का एक स्टेप भी मिस नहीं करना है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल अब्जर को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना यूट्यूब को ओपन कर दिया है। यूट्यूब को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग ने अपना चैनल को एक बार चेकआउट कर देना है कि आप लोग ने कौन सा वाला चैनल को डिलीट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना चैनल को सेलेक्ट कर दिया है। अब इसको आप लोगों ने डिलीट कैसे कर देना है तो आप लोग ने वीडियो पे एंड तक बने रहना है। जी बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह आप लोगों ने अपने चैनल पर आना है और फिर इसके बाद यहाँ पर मैनेज यूर गूगल अकाउंट पर क्लिक कर देना है। मैनेज यूर गूगल अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने डेटा एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। डेटा एंड प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड और डिलीट योर डेटा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन है डिलीट अ गूगल सर्विस, तो आप लोग ने यहाँ पर डिलीट अ गूगल सर्विस पर क्लिक कर देना है। डिलीट अ गूगल सर्विस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ थोड़ा सा लोड करेगा और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिलीट अ गूगल सर्विस। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने यूट्यूब चैनल को डिलीट कर देना है। सिंपली दोस्तों यहाँ पर आप लोग को यूट्यूब के सामने डिलीट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने वही डिलीट पर क्लिक कर देना है। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने देख लिया कि मैंने यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर दिया और डिलीट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ एक नया पेज देखने को मिल गया है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैनेज योर यूट्यूब कंटेंट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आई वॉन्ट टू हाइड माई चैनल और फिर इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है आई वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट माई कंटेंट। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने टिक मार्क लगा देना है परमानेंटली डिलीट पर और इसके साथ साथ यहाँ पर जो नीचे टिक मार्क वाला ऑप्शन है तो आप लोग ने यहाँ पर भी टिक मार्क लगा देना है। दोनों जगह पर टिक मार्क लगाने के बाद यहाँ पर नीचे डिलीट माई कंटेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर डिलीट माई कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो आप लोग के साथ यहाँ पर आप लोग का जो जीमेल है जो जिस पर यूट्यूब का चैनल बनाया गया है आप लोग ने यहाँ पर वही जीमेल अकाउंट को टाइप कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा वेट करें, मैं यहाँ पर वही जीमेल को टाइप कर देता हूँ। जीमेल को टाइप करने के बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है डिलीट माई कंटेंट, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ने सिंपली डिलीट माई कंटेंट पर क्लिक कर देना है। डिलीट माई कंटेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग का जो यूट्यूब चैनल पर कंटेंट था वो भी डिलीट हो चुका है और इसके साथ साथ आप लोग का जो यूट्यूब चैनल था वो भी डिलीट हो गया है। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल था वो डिलीट हो गया है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपने चैनल पर। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ अभी भी मेरा जो यूट्यूब चैनल था वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद दोस्तों आप लोग ने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आप लोग का जो YouTube चैनल है वो डिलीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर दो तीन मरतबा इस तरह रिफ्रेश कर देना है और फिर इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोग को YouTube चैनल जो है वो यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अभी भी मेरे पास YouTube चैनल मौजूद है या नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फिर से YouTube चैनल पर आ गया हूँ और YouTube चैनल पर आने के बाद यहाँ पर मैं एक दो मरतबा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल था वो डिलीट हो चुका है। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिस चैनल डज नॉट एग्जिस्ट और फिर इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है गो टू होम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया अभी भी वो डिलीट हो चुका है। आप लोग ने इस तरह थोड़ा सा रिफ्रेश कर देना है और जैसे आप लोग रिफ्रेश करेंगे तो आप लोग का जो यूट्यूब चैनल है वो डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग के साथ और कोई भी मसला हो तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी रब्ता कर सकते हैं। मैंने दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।